अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और इसके लिए मैंने लिया है आधा कप मैदा, एक कप मिल्क पाउडर और यहाँ पे है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। 3 टेबलस्पून मैंने लिया है मक्खन जिसको मेल्ट कर लिया है, 1/4 कप दूध और अब इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। सबसे पहले ऐड करेंगे मिल्क पाउडर, बेकिंग पाउडर और इलायची पाउडर जो है वो अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह सब चीज़ों को अच्छी तरह से जो है मिक्स कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे ये मेल्टेड बटर, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको आपने बहुत हल्के हाथों से मिक्स करना, आराम आराम से मिक्स करेंगे। अगर आप इसमें देसी घी ऐड करना चाहें तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब ऐड करेंगे 1/4 कप दूध और इसको अब हम इसको आपने गूंदना नहीं है, सिर्फ इसको अच्छी तरह से जो है ऐसे मिक्स करने के बाद हम इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे, सिर्फ मिक्स करेंगे, गूंदेंगे नहीं यहाँ पे। यहाँ पे हमने अभी सिर्फ इसको मिक्स किया है, गूंदा नहीं है और बस इसको हम कवर करके अच्छी तरह से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब यहाँ पे शुगर सिरप रेडी करने के लिए मैंने लिया है 2 कप पानी और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 कप चीनी, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर और जब इसकी जो चीनी है वो अच्छी तरह से अंदर मिक्स हो जाएगी तो फिर जो शुगर सिरप है वो हमारा रेडी होगा। यहाँ पे जैसे चीनी जो है मिक्स हो जाएगी तो इसको सिर्फ हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे, इसको बिल्कुल थोड़ा सा जो है वो थिक करेंगे तो हमारा शुगर सिरप जो है वो रेडी होगा। ये इस तरह से आपको इसको इतना पतला रखना है, इसको इस तरह से। अब यहाँ पे मिक्सचर को है 10 मिनट के बाद मैंने फ्रिज में से निकाल लिया तो अब हम इसको जो है गूंद लेंगे अच्छी तरह से और सॉफ्ट से जो है इसकी हम डो रेडी कर लेंगे। यहाँ पे डो जो है वो रेडी है तो अब हम इसके बॉल्स जो है वो रेडी कर लेंगे। हाथों पे जो है थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, बॉल्स जो है वैसे रेडी करने हैं कि उनके ऊपर कोई भी जो है क्रैक्स नज़र नहीं आने चाहिए। तो इस तरह जो है 9 से 10 बॉल्स हम रेडी कर लेंगे। यहाँ पे 9 से 10 गुलाब जामुन जो है वो हमने रेडी कर लिए हैं। यहाँ पे ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है तो ऑयल जो है वो बिल्कुल नीम गर्म सा गर्म करना है, बहुत तेज़ गर्म नहीं करना और इसको मीडियम लो फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी गुलाब जामुन, अब हम इनको मीडियम लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे जैसे ही गुलाब जामुन का जो अच्छा सा कलर आ जाएगा तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे गुलाब जामुन हुए उनके ऊपर अच्छा सा कलर भी आ चुका है और वो पक गए हैं तो अब हम इनको निकाल लेंगे। यहाँ पे शुगर सिरप जो है वो रेडी है तो अब हम गुलाब जामुन इसमें ऐड कर देंगे, लेकिन जो हमारा सिरप है वो थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। इसके अंदर इसको ऐड कर देंगे गुलाब जामुन को और ऊपर से कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। यहाँ पे जो गुलाब जामुन है उनको हम सिरप में जो है 20 से 25 मिनट के लिए रखेंगे, उसके बाद इसको आप बॉल में निकाल लें। यहाँ पे जो गुलाब जामुन है वो बिल्कुल रेडी है तो अब मैं एक जो है उसको करीब से भी दिखा देती हूँ कि गुलाब जामुन जो है वो बहुत सॉफ्ट
और अच्छे बने ये देखें। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी जो है वो आपको कैसी लगी।